नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री जीरो डे कमिंग। हम जब स्कूल में थे तो जब होते थे कभी भी स्पोर्ट्स डे तो टीचर्स लोग हमें मोटिवेट करने के लिए एक अंग्रेजी में एक लाइन बोला करते थे कि अगर मतलब हम लोग को जीतने के लिए रेस, चाहे मैराथन हो या रनिंग रेस, तो मैं उस लाइन से चालू करना चाहूँगा इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि ये भी उस तरह से एक स्ट्रगल है बनाने में, लाइक स्ट्रगल लगा बनाने में। टीचर का कहना था कि इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट टुडे देन व्हेन। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि इस क्राउड फंडिंग को आप लोगों ने सपोर्ट दिया। बोलने में बहुत खुशी हो रही कि 91 लोगों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया इस क्राउड फंडिंग को, और आज कलेक्शन से ₹41,015। आपको पता है 1100 का कवरेज दिया मैंने, तो जो खर्चा हुआ उस पर वो है ₹33,788, और जो पैसा बच गया है वो 9,000 पकड़ लीजिए, क्योंकि जब मैं इसको एडिट शूट कर रहा हूँ आपके साथ अभी, तब भी डोनेशंस आ रहा है लोगों का कुछ ना कुछ अमाउंट, तो वो चलते रहेगा। और आपको बता दूँ कि जितना रुपये खर्च हुआ है वो ठीक है, और इसका एक पीडीएफ आपको मिलेगा नीचे में टेस्ट कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर, और बाकी का जो पैसा बच गया 9,000 का आसपास, 9,000 प्लस बोलूँगा मैं, इतने टच 10 ऑल्सो यूनोस, तो उस पैसा को उसके लिए भी मैं ट्रांसपेरेंसी रखूँगा मैं। इसके बाद जो भी मेरा ग्राउंड रिपोर्ट्स आएगा, आपको पता होगा मैं अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स करता हूँ, ये तो डॉक्यूमेंट्री अलग सीरीज चलता है मेरा, हालांकि मैं अलग से ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज, उसको मैं वहाँ स्पेंड करूँगा इस पैसे को। आपको पता है कि मैंने इसके लिए 11 स्टेट कवर किया, तो उन 11 स्टेट का नाम है असम, बेंगलोर, बेंगलोर में था कवन पार्क और जकूर लेक, बिहार से मैंने कवर किया था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में नू डिस्ट्रिक्ट मेवात रीजन में, झारखंड में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला साइमन जी से मिलने के लिए, वो एक पद्मश्री भी है और उनको वाटर मैन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मुंबई, मुंबई से मालद वेस्ट, ओडिशा, ओडिशा में तांदाहार विलेज पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में मैंने कवर किया मानसा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में मैंने कवर किया भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल में मैंने कवर किया रामपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये है 11 स्टेट का नाम, और बोलने में खुशी हो रही है कि इन 11 स्टेट्स में कम से कम जो डिस्टेंस हुआ है कवर वो है एवरेज में, अगर मैं दिल्ली को एक पकड़ू एपी सेंटर, दिल्ली से बेंगलोर वन में पकड़ूँगा मैं, वन में ओनली, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से असम, दिल्ली से राजस्थान, तो 11,625 किलोमीटर्स ट्रेवल करने का मौका मिला मुझे, वहाँ के लोगों की कहानी को कवर करने का मौका मिला जो कि आप लोगों के थ्रू हुआ, तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्री में, बता दूँ इसका फॉर्मेट काफ़ी अलग रखा है मैंने, मुझे मालूम है कि आप लोग भी अपना क्वालिटी टाइम दोगे इसके लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट क्लियर और प्रेसाइज रखूँगा, और जो यूनिक चीज़ मैंने ट्राई किया है इस पर, काफ़ी मेहनत भी किया है इसको लेके, रिसर्च पर मैंने बहुत इसे फोकस किया है, तो आपको इस बार मैं ग्राउंड का स्टोरी दूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं कवर कर रहा हूँ एक कोई स्टेट, तो उस पर कुछ क्लिप चलाऊंगा पहले मैं वहाँ के लोगों से बात करते हुए, वहाँ का प्रॉब्लम को दिखाते हुए ग्राउंड का, और उस पर मैं रिसर्च को लिंक करके बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता है कि इस पर मैंने मेरा जो बेस, जो मैंने इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट को, जो डॉक्यूमेंट्री को किया है, वो है नीति आयोग के एक इंडेक्स निकलती है, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI इंडेक्स, तो उसी के थ्रू मैंने वो किया है, लाइक उसी को मैंने बेस बना के इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को रन किया है, और मैं इसी को डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी जीरो डे मैंने क्यों रखा इसका नाम, जिनको पता नहीं होगा जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं उनके लिए नया एक वो होगा, जब मुझे मालूम चला था मैं भी हैरान था लास्ट ईयर जब मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ मतलब होता है, जब मैंने इस वर्ष में पढ़ा इसको न्यूज़ में देखा, साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप टाउन, कि वहाँ पर सरकार को बंद करना पड़ा पानी सप्लाई क्योंकि पानी खत्म हो गया, उसी को बोलता है जीरो डे, तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री का नाम भी जीरो डे रखा, ताकि जो मैंने देखा, और मैं आपको उसको लास्ट में प्रूफ भी कर दूंगा, और आपको आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा इशारा, मेरा सिग्नल किस तरफ है, क्योंकि ऑलरेडी रूरल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में है, अर्बन एरियाज को हमें पता ही है, चाहे पटना पकड़ लीजिए, चेन्नई पकड़ लीजिए, जो हमने देखा क्राइसिस, और भी काफ़ी स्टेट्स जो अभी चल रहे हैं, सॉरी सिटीज, तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे 2018 का रिपोर्ट नीति आयोग का, इस पर ये लोग क्लियरली बता रहे हैं, रिपोर्ट ने बताया है
कि इंडिया का 21 सिटीज इसी साल ग्राउंड वाटर से लाइक दे विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. अब देखिए, आपको लेफ्ट तरफ दिखेगा एक मैप, जो लाल लाल आपको दिख रहा है स्पॉट्स, काफ़ी हाईली स्ट्रेस्ड एरियाज है वो, जिसको बोलते हैं बेसलाइन वाटर स्ट्रेस. और अगर मैं इसको और थोड़ा जूम करके बताऊँ आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने इंडेक्स से लिया नीति आयोग का, 600 मिलियन पीपल मतलब 60 करोड़ के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ मैच में, हाँ 60 करोड़ के आसपास पीपल फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस. 75% ऑफ हाउस होल्ड्स ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू है उनको, और 84% के पास रूरल वाटर का एक्सेस नहीं है, और 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज कॉन्टेमिनेटेड, चाहे वो आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो, आयरन हो, मैंगनीज हो. देखिए मैंने इस सबको मैंने बहुत निकाल के क्लिप्स को और इस इंडेक्स को मैंने दिखाने का ट्राई किया आपको, कि अलग अलग 2D मैप्स का थ्रू, स्टार मार्क का थ्रू आपको मालूम चलेगा, ताकि आपको समझ जाए. मैं कम टाइम लूंगा पर आपको समझ जाएगा, आपको मैं समझने का ट्राई करूंगा कि मेरा इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस क्या है. ओके, जो आप लास्ट लाइन देखेंगे मैंने जो दिखाया है, फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक असर आने वाला है, इसको भी मैं आगे प्रूफ करूंगा जाके कुछ कुछ न्यूज आर्टिकल्स का थ्रू. और ये है 9 पॉइंट जो ये हम जिसके बारे में बात करें, CWMI इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग का, ये 9 जो एक थीमेटिक बोल सकते हैं थीम्स के थ्रू इन्होंने इस इंडेक्स को बनाया है. मैं इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स पे स्पेशली बात करूंगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, चाहे लेक्स, पोंड, उनका क्या हाल है, रिवर्स का क्या हाल है. मैं बात करूंगा 7 नंबर पॉइंट ड्रिंकिंग वाटर का. मैं बात करूंगा 8 नंबर पॉइंट अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. और 9 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट, पंचायती जो हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस, हम सब देखेंगे इसको. अब आते हैं नेक्स्ट फोटो पे, देखिएगा ये है अलग अलग स्कोर्स, नीति आयोग अलग अलग स्टेट्स को स्कोर्स करती है. अब इसको मैंने 2D शेप्स का थ्रू दिखाने का ट्राई किया है, आप आराम से देखिए, ये थोड़ी डाटा इंटरप्रिटेशन भी है, मुझे भी थोड़ा टफ लगा था, बट मैंने भी थोड़ा इसको ट्राई किया है खुद समझ के आपको समझाने के लिए. आपको ऊपर में दिख रहा होगा राजस्थान, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, आपको दिख रहा होगा राजस्थान को, अगर आप देखेंगे बेस ईयर और दो मतलब 2 साल के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, 15-16 ईयर एंड 16-17, आपको दिखाया है कि राजस्थान से स्टेट ने थोड़ा प्रोग्रेस किया है, वो लाइट थोड़ा ब्लू ग्रीन जैसे दिखेगा और एक ब्लैक दिखेगा, तो मैंने सभी लिखा है पॉजिटिव, मतलब इसने थोड़ा ग्रोथ दिखाया है राजस्थान का, जो भी एक पानी को लेकर उन्होंने कुछ काम किया है. अब अगर मैं बात करूँ पंजाब का, थोड़ा नीचे आइए, उसका स्कोर कितना है 1.99. अब मैंने दिखाया आपको पंजाब और बिहार, बिहार का है 0.44. देखिए पंजाब और बिहार टच कर रहा है स्कोर्स, अगर राइट साइड देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा है स्टैग्नेंट, मतलब उतना काम नहीं हुआ है, एक काम किया जा सकता है. और नीचे आएंगे आप उड़ीसा, उड़ीसा का -4.8 चला गया है, मतलब नेगेटिव, उसको आप राइट साइड पे आके देखिए, मैंने नेगेटिव दिखाया है उसको 2D उसका थ्रू, एरो का थ्रू. ये एक आइडिया देने के लिए आपको, टेक्निकली चीज़ों को समझने के लिए, बाकी इसका क्या हम बात करेंगे जीवे में भी. अब आते हैं नेक्स्ट में इस पे फोटो पे, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सेम मेघालय को देखेंगे आप, थोड़ा उन्होंने ग्रोथ दिखाया है मेघालय ने, पॉजिटिव उसने दिया है. नीचे आके देखेंगे आप उत्तराखंड को देखेंगे और आसाम को देखेंगे, तो आसाम को देखेंगे -3.06, उत्तराखंड को देखेंगे -10.37. हाँ यहाँ पर उत्तराखंड को भी रखा गया नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब एक हिमालयन स्टेट्स का थ्रू इसको लिंक किया गया इन्होंने, जिन्होंने इंडेक्स बनाया नीति आयोग ने, पर मैं बात करना चाहता हूँ हालांकि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली इस पे, तो आसाम को देखेंगे -3.01, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब काफ़ी काम किया जा सकता है और काफ़ी काम नहीं हुआ है. और ये ओवरऑल एक आपको जो मैंने दिखाया दोनों स्टेट्स का, ये आपको दिखेगा अलग अलग स्कोर्स, गुजरात ने अच्छा स्कोर किया है 76, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो त्रिपुरा अच्छा किया है स्कोर 59, हिमाचल. अब इसको समझने के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक मैप, ये मैप देखिए, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है लाल, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनका स्कोर लो 50 का नीचे है. और जहाँ जहाँ आपको दिखेगा येलो, जैसे कि साउथ में देखेंगे बेंगलोर, इनका मध्य प्रदेश, इनका स्टेट सही है, इनका थोड़ा अच्छा दिया, मीडियम स्कोर है इनके पास, और जो हाई है वो है ग्रीन. तो हाई जो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है स्पोर्ट, जैसे गुजरात, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पानी को लेके और कर सकते हैं. और जो येलो में उनका मीडियम परफॉर्मेंस है, और जो लो स्कोर है उनका रेड कलर में दिखाया गया है. और नेक्स्ट फोटो आप देखेंगे, यहाँ पर बस दिखाने का मकसद ये है कि डिमांड सप्लाई में कितना डिफरेंस होने वाला है अभी आने वाले साल, 2020 से 2030 का मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर. अगर 740 इसको दिखाया गया है BCM में, यूनिट में 744 BCM अगर हमारा सप्लाई है पानी का 744, तो
इसका डिमांड है 1498, मतलब 101% हमें ज़्यादा पानी चाहिए, इतना है। पहले हम चलते हो, पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा उड़ीसा से। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उड़ीसा का मैं आपको स्क्रीन पे, सेवन डिकेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी इन उड़ीसा विलेज स्टिल ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड वाटर फ्रॉम पिट्स। कितना दुखद वाली कहानी है, और ये छापा है फर्स्ट पोस्ट ने, दो न्यूज़ को फर्स्ट पोस्ट ने, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं नेट में भी, इसके बारे में आपको और डिटेल्स मिलेगा। 70 ईयर्स होने के बावजूद भी आज भी उड़ीसा का जो लोग हैं कुछ कुछ जगहों में, आज भी उन्हें वो कॉन्टामिनेटेड वाटर पीना पड़ रहा है। और मैंने जिस जगह कवर किया है उड़ीसा में तंदहार विलेज, वहाँ का तो जो गाँव है तंदहार गाँव, पूरी डिस्ट्रिक्ट में आती है वो, आस्तारंग ब्लॉक में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ का लोगों ने पानी पीना ही बंद कर दिया गाँव का। आज पंचायत उनको हफ्ते में 2-3 दिन सप्लाई करती है, उसका हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं, ये भी है 2018 का कहानी है, जुलाई का, फर्स्ट पोस्ट का उड़ीसा के बारे में, कि उड़ीसा का गांव का, अगर हेडिंग पढ़ेंगे क्या, आज गांव का लोगों ने इनफॉर्मल बार्टर सिस्टम चालू कर दिया है। आप जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या है, आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था डिटेल में, तो मुझे ये बताया गया कि कहीं ना कहीं गरीब लोग जाके आज अमीर लोगों को, एक कोई गाँव में स्पेसिफिक, वो क्या कर रहे हैं, धान या अपना चावल कुछ दे रहे हैं, गेहूँ अमीर लोगों को, और अमीर लोग उनको इन रिटर्न पानी दे रहे हैं। तो कितना बड़ा समस्या हो रहा है, तो बहुत सोचने लायक चीज़ है, हमें इस पर फोकस देना पड़ेगा। भैया बताइएगा, आप तो यही गांव के हैं ना, ये पानी का क्या समस्या है गांव में? वो पानी का तो इधर अच्छा वाला पानी पीने के लिए नहीं है, वो सब नमकीन वाला पानी है। तो आप लोग यहाँ पानी पीना बंद कर दिया एकदम? नहीं, पानी का वो तो टैंकर आता है, टैंकर आता है जो 20-30 लीटर ऐसे पानी देता है, 2 दिन में आता है, मिलना चाहिए। यहाँ हम लोग का समस्या होता है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ हमको पानी लाइन चाहिए और टंकी करना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। बारिश हो जाने से इधर का गाड़ी मोटर सब बंद हो जाता है, हम लोग गाँव से नहीं निकल सकते हैं, यही समस्या हम लोग का है। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं, पानी का रास्ता भी जुड़ा हुआ है, कि रास्ता टूटा तो पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और पानी के बिना आजकल जी नहीं सकता आदमी, जी नहीं सकता। और आप, और जबकि यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ आसपास नदी भी है, लेकिन वहाँ से पानी नहीं पी सकते आप लोग? नहीं, सब नमकीन पानी है, सब नमकीन पानी है, दोनों तरफ नदी है, समुंदर है, दोनों का नमकीन पानी है, उसे पीना नहीं होता है। आप यहाँ पर क्या काम, क्या काम करते हैं आप, क्या काम करते हैं गाँव में? फसल का, हाँ फसल, खेती बाड़ी। तो पानी का समस्या से पीने के लिए, मतलब खेती पीने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, और खेती बाड़ी में भी है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, खेती में पड़ता है ना, खेती में प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग चाहते हैं कि वही पाइपलाइन हो जाए और पानी साफ है सरकार से ही? हाँ, अच्छा रहेगा। तो ऐसे मुद्दे में कोई बात होता है, कभी आता है कोई नेता बात करने? कोई आता नहीं, जो आता है बोलता है, किंतु करता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। तो आप लोग वोट करते हैं तो किस मुद्दे पे वोट होते हैं, मतलब वो सब बात उठाता है कि नहीं आप लोग, कि हम लोग को पानी चाहिए? भाई पानी नहीं तो कुछ है ही नहीं, भी बोलते हैं आके करेंगे, लेकिन कोई भी करता नहीं, कोई भी करता नहीं कुछ, वोट लेके चला देता है। वोट खाली तो करे, वोट हो, वोट तो करे, आओ किसी नहीं, वोट बड़े सब दे, कोई भी दिबा देबा, वोट खाली किसी नहीं, खाली करे। अगर इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, बस बस हो गया काम, लेकिन हम लोग जैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और आवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्कीम्स by Ministry of Jal Shakti. The first is Jal Jeevan Mission, where they aim to provide the piped water to 15 crore households. Like till now they are saying we have only 3 crore households with piped water, we'll provide to 15 crore. And on the other hand, we are speaking about Atal Bhujal Yojana recently, which was launched by Prime Minister, where they speak about groundwater. So broadly, I just want to ask you about this balancing question. Like one way we are thinking we don't have water, water whether it's groundwater or whether it's monsoon, we're heading towards a crisis. And secondly, we are thinking we'll provide piped water to households. So how do we balance? Like one way water is finishing, but one way, other way we are thinking we'll give piped water. So where will the water come? Like this balancing part. Why there is a situation of providing piped water? Why? Because either your groundwater is so polluted that you are not able to, that is not good for health. Okay. So earlier, about 50 years back or even 40 years back, people used to take water from the hand pumps or tube wells and all that. There were no RO, there were nothing, no technology like that. It was not bad for health. Because over the period of time, your development model
which has something to do with governance also. If industry puts its wastewater with full of chemicals and all that into rivers or other, then water gets depleted. So in fact, you have first gone home, you are first poisoned your water, and now you are thinking of providing piped water. So why not you are, why didn't you keep your water at that level? Why this whole governance and development consumption led growth model, why you are allowing all this to get it waste poisoned and all that? So if at all the problem is there, the groundwater which they are consuming from hand pumps and all that, if it's not good for health, then they must be provided piped water. After all, in the villages, they are human beings, they live. Why only piped water in cities? Why not in the villages? It should be there also. फिर आपको मैं कुछ फोटोज रन कर रहा हूँ. ये फर्स्ट पोस्ट का मैंने वेबसाइट से लिया है, न्यूज वेबसाइट से. ये अलग अलग डिफॉर्मिटीज दिखेगा आपको. ये बच्चे लोग भी यहाँ से पानी पी रहे हैं. अब मैं मेन इसमें बात करना चाहूंगा, उड़ीसा का फोकस क्या किया है CWMI इंडेक्स पे. आपने देखा होगा, मैंने जो बात किया अभी लोगों से, जो आपने वीडियो देखा जो कि पानी का कितना समस्या है गांव में, और क्या बताया उन्होंने जब आपने सुना कि ग्राउंड का वाटर पूरा अफेक्टेड है, और इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी अफेक्टेड है, हम पानी पी नहीं पा रहे हैं. और जो मैंने जो आपको बताया था वीडियो में, जो मैंने कवर किया, वही मैंने ट्राई किया लिंक करने के लिए. तो मेरा मकसद यही है कि मैं लिंक कर पाऊँ मेरा ग्राउंड रिपोर्ट को इस इंडेक्स का थ्रू, ताकि रिसर्च का थ्रू, ताकि आप भी चीज़ को समझ पाए कम टाइम पे. चलिए, ये था उड़ीसा का कवरेज. अब हम चलते हैं अगला स्टेट पे, और वो अगला स्टेट है पंजाब. और ये जो मैंने कवरेज भी दिया स्टेट्स का, जैसे कि सीरियली अरेंज किया मैंने, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, सब में एक ना कोई लिंक किया है मैंने. आपको बताऊंगा और आपको लास्ट तक मालूम चल जाएगा कि मैंने क्यों सबको लिंक किया है. चलिए, अब आता है पंजाब पे. पंजाब को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, एक रिपोर्ट आई थी 2014 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो पंजाब के वाटर क्वालिटी के बारे में बात करती है. हम थोड़ा डिटेल में घुसेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, तब आपको एक व्यू मिलेगा, होलिस्टिक व्यू. पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्लॉक्स के बारे में. ये आप देखिएगा स्टेट में, आपको 2004 का एक डायग्राम है सेंट्रल, मैंने वेबसाइट से लिया उनका. इन्होंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है कि पंजाब का जो ब्लॉक्स है, अलग अलग ब्लॉक, वहाँ पर कितना वाटर स्ट्रेस्ड है. तो चार कैटेगरी आप देखेंगे यहाँ पर, एक ओवर एक्सप्लॉइटेड, एक क्रिटिकल, एक सेमी क्रिटिकल, एक सेफ. जहाँ जहाँ मैंने लाल से इसको वो किया है, 2D जो मैंने दिखाया है बॉक्स में बना के बना के, आपको आपको दिखेगा अमृतसर में 16 ब्लॉक्स है. 16 के 16 ब्लॉक्स को आज ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब पानी ही नहीं है, ग्राउंड वाटर ही खत्म हो रहा है दिन ब दिन. फतेहगढ़ साहिब 5 ब्लॉक्स है, 5 के 5 ओवर एक्सप्लॉइटेड है. जलंधर में आएंगे तो 10 ब्लॉक्स है, 10 के 10 ओवर एक्सप्लॉइटेड है. मानसा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर 5 ब्लॉक से 5 के 5 ओवर एक्सप्लॉइटेड है. और पटियाला, ये भी अगर देखेंगे तो 9 ब्लॉक से एक और एक्सप्लॉइटेड है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है 8 ब्लॉक्स. तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप नंबर्स देखिए, यही आपसे बड़ा प्रूफ है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, और हमें क्यों आज रिवर्स बैक गियर लेना पड़ेगा हम जो कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन पानी का. अब जो मैंने बताया आपको नंबर्स, इसको आप और समझने का ट्राई कीजिए अच्छे से इस मैप का थ्रू. ये पंजाब का मैप दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज. आपको दिख रहा होगा नीचे में चार जो इंडिकेटर्स है, सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड. लाल रंग का जो है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेड, येलो में है क्रिटिकल, ब्लू में है सेमी क्रिटिकल, और ये व्हाइट में है सेफ. आप देखिए पंजाब के कितना बताऊँ मैं इसको, मैं पकड़ सकता हूँ 60-70% लाल में है, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेड है वहाँ का जो भी रीजन है पानी के कारण. अब आते हैं, ये आपको मैंने रिपोर्ट बताया था 2004 का और 2009 का, ये डायग्राम है मैप का. अब आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पे. इसी साल 23 जनवरी को ये छापा था इंडियन एक्सप्रेस ने, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने. उन्होंने बताया कि 109 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में पानी का जो टेबल है वो कम रहा है. कितना शॉकिंग न्यूज़ है. अब इस पर जब घुसेंगे चीज़ पे, मैं डायग्राम को थ्रू दिखाना चाहता हूँ. आपको देखेगा ऊपर में 82% ऑफ पंजाब हैज़ विटनेस्ड अ सब्सटेंशियल फॉल. पानी पे देखिए, इस पर मैंने स्टार मार्क दिया है. और आज कम से कम 14.51 लाख ट्यूबवेल पंजाब में ऑपरेट किए जा रहे हैं. 109 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड है. और नीचे मैंने मार्क किया मानसा, जिसको मैंने खुद कवर किया है.
और कम से कम एनुअली जो लिखा है यहाँ पर नंबर्स भी देखेगा नीचे आपको मैंने राइट मार्क में दिया है 35.78 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर विड्रॉ किया जाता है एनुअली। कितना बड़ा नंबर है ये। अब आते हैं दूसरी खबर पर, टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है 2017 का कि आज हम अभी बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में। पंजाब में कम से कम 214 हैबिटेट स्टेशन जो एरियाज है वहाँ पर आर्सेनिक कंटेंट पाया जाता है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, पटियाला, फजिलका, इन सब में आर्सेनिक जो कंटेंट है पाया जाता है। और आपको अभी लग रहा हो कि आर्सेनिक क्या है उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि WHO क्या बोलती है, अलग अलग रिसर्च क्या बोलती है और क्या क्या हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ता है। आपको बता दूं कि WHO का अकॉर्डिंग 0.01 तक परमिसेबल होना चाहिए, मतलब उसका ऊपर नहीं होना चाहिए आपका आर्सेनिक का। बट आप अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना ट्राई कर रहा हूँ, ये भी एक मैंने लिया है वेबसाइट से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, आपको दिख रहा होगा ओडिशा पे एक जगह है गजापति 0.01, फिर भी चलो इसका ठीक है। अब अगर पंजाब में आएंगे गुरदासपुर का देखिए 0.03, 0.01 को पार कर दिया उन्होंने। गुरदासपुर, होशियारपुर, संगरूर 0.02, तो ये एक नंबर दिखाने का मतलब। राजस्थान का देखिए, गंगानगर का देखिए 0.04। अब मैं बात करना चाहता हूँ पटियाला के बारे में। अब देखिए, मैंने एक आपको एंगल दिया आर्सेनिक के बारे में कि पंजाब में आर्सेनिक में टॉप करता है अमृतसर, जो जहाँ काफ़ी पाया जाता है। पंजाब का एक अलग ही केस है और फ्लोराइड का, पटियाला उस पर टॉप करती है। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पटियाला इज द टॉप डिस्ट्रिक्ट विथ टोटल ऑफ 174 हैबिटेशंस। और भी डिस्ट्रिक्ट है फजिलका, मोहाली, मानसा, जहाँ पर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है। पर मकसद ये आपको बताना है कि पंजाब जैसे स्टेट में बस मत सोचिए कि एक ही डिजीज है आर्सेनिक का, फ्लोराइड का भी अलग ही समस्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे। और अगर आप देखेंगे नीचे में मैंने मार्क भी किया है उसको, किस किस तरह का इश्यूज हो सकता है आर्सेनिक से, कैंसर, स्किन लेजेंस, CVD मतलब हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर। और अगर आप पूछेंगे कि फ्लोराइड से क्या होगा WHO का अकॉर्डिंग, तो नीचे मिलेगा आपको एब्डोमिनल पेन, पेट पे जो दर्द होता है, एक्सेसिव सलाइवा, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होता है फ्लोराइड जब ज़्यादा कंटेंट होता है पानी पे। अब आपने देखा होगा वीडियो, तो गग्गर रिवर को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा टेक्निकली। ये भी मैंने लिया है उस रिपोर्ट से ही जो मैंने फर्स्ट में रिपोर्ट की जिक्र किया था, 2014 का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का। गग्गर रिवर का इशू ये है कि सिंस 1995 पानी में जो पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी बढ़ती है। हालांकि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पानी में कितना केमिकल है, पानी कितना पोल्यूटेड है। तो गग्गर रिवर में BOD और CO2 काफ़ी हाई मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अगर आपको मैं मार्क भी किया है गग्गर रिवर को डी कैटेगरी में रखा गया है। काफ़ी भयानक स्थिति है गग्गर रिवर का। भी लोग का एक कंपल्सन है कि पानी हमें चाहिए क्रॉप्स उगाने के लिए, चाहे पेडी हो या कोई भी क्रॉप हो खरीफ सीजन में, तो ये बहुत कंपल्सन है। ग्राउंड वाटर पर भरोसा नहीं रहा आजकल क्लाइमेट चेंज को लेकर, आजकल बारिश इतना, मानसून को लेकर इतना होता नहीं, तो यही एक रिवर्स है। अगर इसको भी अगर हम लोग बचा नहीं पाए सर, तब तो फिर मतलब अगर आप देखेंगे ब्रॉडली एंगल को। So yesterday we visited Ghaggar River and it was so polluted and so dirty with all the industrial effluents as well as the sewerage from the households. But still people, they had put a pipeline and they were using that water to irrigate their fields because they said that we don't get water. 15 days their canal is working and 15 days it's off. So they say that if we have like 10 acres of land, only 2 acres are able to irrigate. So they have to use that that dirty water, and I was shocked that we are have consuming those vegetables. So biomagnification, as we know the process, would we be also be getting infected with those diseases, or because they are using so dirty water? So what is your take on that, sir? No, in fact, everybody knows that our food chain is also poisoned. So if the vegetables or other eatables come from the water being taken out by Ghaggar, which is very, very polluted, as you said. And not only Ghaggar, the other rivers also very, very polluted. And many farmers take water from that for irrigation. So if the horticulture or vegetables or fruits irrigated by those water, then I think it's very, very serious. सब तो कचरा भरा हुआ ये सब जिम्मेदार कौन है, ये जो गंदगी प्रशासन के साथ साथ पब्लिक का भी जिम्मेदारी होता है।
पूरे गंदगी से अभी इस जगह लोग झाड़ा पोछा फिरते हैं, कितना गंदा किए हुए हैं, ये सब बन गया है। ये सब पहले कुछ नहीं था, पहले साफ सुथरा था, वहाँ तक रहता। हम लोग बचपन से यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, ये सब तरह। अभी ये सब जगह पूरी गंदगी इतनी भर गई है जो कि अब इच्छा नहीं करता है, लेकिन धर्म को मानते हैं, बूढ़ी गंडक है, माँ है, विश्वास करते हैं, नहाते वहाते कि कहीं ना कहीं हम इंसान इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम जानबूझ के, चाहे वो आप स्पिरिचुअल डिवोशंस डिवोशनल गारबेज कह लो या ह्यूमन कंजम्पशन का आप एक वो एक तरह से वीडिंग आउट ऑफ द प्रोसेस मान लो, सब कुछ में कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आज जो कंडीशन है नदियों का या तालाबों का या जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ का, वो हमने खुद बिगाड़ा है। इसमें कोई बाहरी तत्वों का कोई हाथ नहीं है और नेचर का तो है ही नहीं, क्योंकि नेचर ने कभी ये नहीं कहा कि आप बिगाड़ो चीज़ों को। बात की CWMI इंडेक्स, नीचे में देखिएगा आप ग्राउंड वाटर रिजर्वनेशन, मतलब क्या क्या चीज़ इंप्रूव किया जा सकता है, जो मैंने बात किया वही आप यहाँ मैंने लिंक का ट्राई किया। देखिए ग्राउंड वाटर पानी ऑफकोर्स इंप्रूविंग का बहुत बहुत ज़रूरत है, इरीगेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ा समस्या, चाहे फ्लोरेड का पकड़ लीजिए या आर्सेनिक का। तो मैं समझ आई थिंक आपको मैं समझा पाया पंजाब का कवरेज का थ्रू रिसर्च और ये। अब मैं आता हूँ तीसरा स्टेट पे जो कि है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी पंजाब का जैसा इशू है, जैसे कि पंजाब को मैंने बताया कि अमृतसर से जगहों में आर्सेनिक ज़्यादा है और पटियाला में फ्लोराइड। सेम अब जब आएंगे वेस्ट बंगाल में तो कलकत्ता सिटी में आयरन का ज़्यादा मात्रा पाया जाएगा, मैंगनीज पाया जाएगा आपको पानी में। और जब आप थोड़ा अंदर आएंगे इस तरफ वेस्ट बंगाल का बर्धमान का तरफ या हुगली, तब आपको अभी आप आ जाएंगे बीरभूम का तरफ तो फ्लोराइड आपको ज़्यादा मिलेगा इस पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे मतलब कोई भी सेफ नहीं है, सब जगह में कुछ ना कोई केमिकल का एक प्रेजेंस है ही पानी में, ग्राउंड वाटर पे। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये स्टडी बाय पीके सिकदार, एक रिसर्चर ने, इन्होंने एक पाया था इन्होंने कि मैंगनीज का आयरन कंटेंट का ज़्यादा है मतलब वेस्ट बंगाल में वो, और ये खास करके बच्चों को काफ़ी इफेक्ट करती है उनका अटेंशन एंड मेमोरी स्किल में। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स आयरन का लिमिट 0.3 मिलीग्राम पार नहीं होना चाहिए पर लीटर। मैं आना चाहूँगा वेस्ट बंगाल का, देखिए आप जो आर्सेनिक का वो है, जितना भी आप देखेंगे मालदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हुगली, हावड़ा 0.04, 0.02, 0.03। तो काफ़ी सुसन लायक चीज़ें मालदा में एक देखेंगे आप कालिया चक 2, इसमें 0.05 है। तो ये बताने का मकसद ये है कि लिमिट पार हो चुका है फिर भी हम कहीं ना कहीं रियलाइज कर नहीं पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। ये दिखाने का मालूम है कि बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये मुझे भी टफ लगता है समझने में, बट मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना सोचने लायक चीज़ है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। अब आते हैं कुछ खबरों पे। अब वेस्ट बंगाल ने एक ट्राई भी किया है, ममता बनर्जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तो अमीर बंगाल वाटर स्कर्सिटी, उन्होंने अपील भी किया है लोगों, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था वहाँ पर, जल धरो जल भरो, ये न्यूज़ है June 2019 की। फिर ये भी एक दिया है कि वेस्ट बंगाल ने सेफ वाटर डे का एक ऑब्जर्व किया है उन्होंने भी। तो ये है पंजाब का, ये है वेस्ट बंगाल का कवरेज। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे आर्सेनिक के बारे में, कि आर्सेनिक के बारे में क्यों हमें अवेयर रहना पड़ेगा। पहले तो बात समझ जाइए कि इसका भयानक कितना स्थिति पड़ता है हेल्थ पे। और आपने सुना होगा, चाहे वो उड़ीसा का लोग बोल रहे हैं या वो वेस्ट बंगाल का लोग बात कर रहे हैं दांत के बारे में अपना, या वो पंजाब का लोग बात कर रहे हैं, सबको कैंसर का इश्यूज है, दांत का इश्यूज है, ब्लाइंडनेस का इश्यूज है, डिफॉर्मिटीज है बॉडीज में। अगला फोटो देखिएगा आप, WHO, ये देखिए मैंने मार्क किया है, अगर आप देखेंगे WHO का गाइडलाइन क्या बोलता है कि 0.01 mg/L परमिसेबल लिमिट है, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता 0.05 तक जा सकते हैं, बट यहाँ तो पार कर चुका है अपर लिमिट। अब मैं आता हूँ WHO का थ्रू, WHO का आप नीचे देखेंगे क्या लिखा है उन्होंने, कि अगर आपको इससे बचना आर्सेनिक से आपको क्या क्या कर सकते हैं। आप ग्राउंड वाटर को आप इतना एक्सप्लोइट मत कीजिए, ओवर एक्सप्लोइट, आप ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज देखिए, यूज ऑफ आर्सेनिक रिमूवल टेक्नोलॉजीज, ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब का बहुत ज़रूरत है। इसका बात करना चाहूँगा मैं, WHO का एक पेपर भी है, उन्होंने पेपर पब्लिश किया था आर्सेनिक के बारे में।
तो नीचे पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, नीचे पे आप देखेंगे जो सोर्सेज दिया है उन्होंने कि आखिरकार ये आर्सेनिक आती कहां से है। तो एक चीज आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, आपको आप जब देखेंगे लास्ट पॉइंट, मोबिलाइजेशन इनटू ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स बाय ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स। और मैंने आपसे बात किया है कि पंजाब में आज कम से कम 14.51 लाख ट्यूब वेल्स ऑपरेट कर रही है। तो आई थिंक आप सब लिंक कर पा रहे हो कि आज पंजाब में क्यों इतना आर्सेनिक का प्रेजेंस है। सेम फॉर अदर स्टेट्स, सिर्फ पंजाब नहीं। मैं बस एग्जांपल देंगे ट्राई किया आपको, वो जो भी न्यूज़ रिपोर्ट था, कितना लिंक है सब चीज़ एक से एक। बाकी यू नो कि ग्रीन रेगुलेशन का भी एक बात है, जब पूरा देश का फूड सिक्योरिटी पंजाब को, मतलब जो ग्रीन रेगुलेशन हुआ था आप जब पढ़ेंगे 1960s का, तो उस समय काफ़ी पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स को यूज़ किया गया था, उसी लिए भी इसका प्रेजेंस है। तो काफ़ी कुछ है। अब जो WHO बोलती है कि नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, माइनिंग, और लास्ट में उन्होंने बोला है ट्यूबवेल्स का उन्होंने बोला है। तो ये मकसद दिखाने का आपको कि WHO क्या बोलती है। आइए आप आते हैं अगला फोटो पे। ये मैं दिखाना चाहूँगा क्या क्या होता है, कैसे होता है ये चीज़ को, मतलब सोर्सेज क्या है। फ्लोराइड का देखेंगे आप, इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। आर्सेनिक का देखेंगे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और जो भी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ट्यूबवेल के बारे में, इसी होते हैं। अब ये देखिए, ये एक मैप मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भी मैंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से लिया है ये मैप। जहाँ जहाँ ये आर्सेनिक का एक दिखाया जाता है प्रेजेंस पूरे इंडिया पे, आपको दिखेगा मैंने मार्क किया है 2D उसका थ्रू, एरो का थ्रू, जहाँ जहाँ रेड रेड आपको दिख रहा है वहाँ पर भयानक स्थिति है, 0.05 से ऊपर है आर्सेनिक का प्रेजेंस। कितना शॉकिंग चीज़ है, ये वेस्ट बंगाल झारखंड अब तो टच कर रहा है, और अगर आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये आपको UP में दिखेगा और बाकी पंजाब में आपको दिखेगा इसका प्रेजेंस। और जहाँ जहाँ आपको हल्का दिखेगा ब्लू, वो है आपको मध्य प्रदेश का तरफ, गुजरात का तरफ, वहाँ पर ठीक है, परमिसेबल लिमिट 0.01 से 0.05, पर बाकी जगह में देखिए 0.05 पार कर दिया। तो मकसद ये है कि आपको थोड़ा दिखाने का मेरा कि मैप का थ्रू आपको और समझ में आएगा। इसी को थोड़ा मेरा मन था कि थोड़ा रिसर्च करके डाटा इंटरप्रिटेशन करके आपको दिखाने का। अब आता है नेक्स्ट डायग्राम पे, फ्लोराइड। आप जो फ्लोराइड को देखेंगे तो इसका भी देखिए बियॉन्ड 1.5 mg/L कहाँ कहाँ मिलेगा आपको फ्लोराइड। ऑफकोर्स दिल्ली की तरफ देखिए, चंडीगढ़, पंजाब मिलेगा आपको, पटियाला, जो मैंने बात किया आपसे फ्लोराइड के बारे में। आप राइट से राज्य इंडिया की तरफ, आई मीन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यू गेट टू सी नियर वेस्ट बंगाल झारखंड फ्लोराइड का ज़्यादा संख्या। और अगर आप थोड़ा साउथ में आएंगे तो आपको बेंगलोर ये सब नीचे में दिखने मिलेगा। तो यही मकसद है आपको दिखाने का अलग अलग मैप का थ्रू कि कितना भयानक स्थिति है। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप भी जरूर जाके ये वेबसाइट फॉलो कीजिएगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, इस पर आपको अलग अलग वो मैप्स दिखा देंगे आपको कि कंट्री में कहाँ कहाँ किस तरह, ताकि ये सब चीज़ आपको समझने में ईजी होगा और अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको इसमें हेल्प होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा बिहार के बारे में। बिहार में मैंने कवर किया 2 districts, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। भागलपुर में जाने का मकसद था कि आर्सेनिक का वहाँ बहुत भयानक स्थिति है, और मुजफ्फरपुर मैंने फोकस किया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वो दिखाने का मकसद था बस कि कैसे एक डंपिंग पिट जहाँ हम लोग फेंकते हैं कूड़े को, उससे कैसे एक वेस्ट रिसोर्स, वो जो वेस्ट है उससे कैसे आप कुछ अच्छा कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वेस्ट एक रिसोर्स भी है। वो आपको वो दिखाने के लिए आपको टीम ने काफ़ी मेहनत भी की इसको लेके, जो हमारे सही दोस्त लोग थे मेरे वहाँ का, आयुष पीयूष लोग, उन्होंने वहाँ का मुजफ्फर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लेके वहाँ का शूट करवाया। अच्छा सर, तो मैंने वेस्ट बंगाल में देखा, पंजाब में देखा, उड़ीसा में देखा, काफ़ी सर ये वाटर कॉन्टामिनेशन जो होता है सर ग्राउंड पे, ग्राउंड वाटर का आर्सेनिक और फ्लोराइड के वजह से, तो सर काफ़ी लोगों को हेल्थ डिजीजेस भी मैंने देखा लोगों के, तो इस पे सर आपका क्या व्यू है, क्योंकि सर आपने भी काफ़ी मतलब आर्टिकल्स लिखे हैं पानी के पूरे मुद्दे पे, इश्यूज पे, हेल्थ कैसे करने करके। बचपन से हम एक नारा सुनते देखते आ रहे हैं, जल ही जीवन है, लेकिन ये नारा थोड़ा बदल जाना चाहिए आज के समय में। आज होना चाहिए शुद्ध जल ही जीवन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुनिया में जो जितनी भी बीमारियां हैं, वर्ल्ड्स इंटायर डिजीज, 1/10 डिजीज बर्डन कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी डू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन द वाटर एंड सैनिटेशन। तो हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है, और उस पर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है, जो हमारे लोग हैं, वो इसको लेकर के अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय और बहुत खतरनाक होगा। हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखते हैं कि दुनिया में 31 तरह की बीमारियां हैं जिससे
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डेथ होती हैं, और उन 31 बीमारियों में से 21 बीमारियां जो हैं वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम हेल्थ सेक्टर में कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, नए नए डॉक्टर्स ले आएं, नए नए हेल्थ सेंटर्स खोल दें, हॉस्पिटल्स बना दें, लेकिन जब तक रूट कॉज जो है जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ सिस्टम में आना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उस रूट कॉज को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री है, जहाँ पॉपुलेशन अभी भी एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से बिलो रहती है। तो इस सरकमस्टांसेस में जब ये पुअर लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, इनका जो वर्क डेज हैं वो लॉस होता है, और इंडिया में अभी भी 88% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ड्रिंकिंग वाटर को सेफ करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को सुरक्षित बनाने के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम हेल्थ सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को कंट्री में ठीक करना होगा। अब मैं बात करता हूँ भागलपुर से के बारे में। भागलपुर टेलीग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये छापा है 2017 का न्यूज़ है, मार्च का। भागलपुर बैटल्स टू एवर्ट वाटर क्राइसिस। आप इसके अंदर जब आप जाएंगे न्यूज़ के अंदर आपको मिलेगा कि भागलपुर कम से कम पॉपुलेशन है 4.2 लाख, जो कि डिपेंड करती है गंगा पे, और काफ़ी वाटर का इश्यूज है यहाँ पर। यह समस्या है कि अभी भी जगदीशपुर में पानी का कमी है, और जो टैंकी जो हम लोग को दिया हुआ है वो 10 मिनट पानी मात्र छोड़ता है, बस बंद कर देता है। शहर के हम लोग कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धुलाई करते हैं, जहर के ये पानी गंदगी है जहर के। तो ये जो आप लोग वोट करते हो, वोट करने समय आप लोग क्या चीज को लेकर वोट करते हो, क्योंकि ऐसे मुद्दा उठाते नहीं? बड़ा सब नेता आता है सरकार का, गांव बोलता है हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, यही करके के जाता है। उसके पीछे तो हम लोग को वहां तक सट नहीं देता है, गरीब को वहां नहीं सटने देगा, नहीं। जब भी गरीब, अगर गरीब सरता तो दुख सुनाता है। यहाँ पर एक जगह भी था, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, वो एक गांव था वहाँ, कोल्हा शायद कुछ नाम था गांव का, वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का लोग काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि काफ़ी लोग पहले आ चुके थे, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आ चुके थे, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ आज तक नहीं मिला। MLA, MPs, पंचायत से लोग आके बोल के कुछ करेंगे, पर कुछ किया नहीं। और उस गांव में मैंने ये पाया, हालांकि मैं उसका दिखा नहीं पाऊंगा आपको, फोटो शूट नहीं कर पाया मैं, बट मैं आपको जो बता पाऊंगा मेरा ग्राउंड एक्सपीरियंस, वहां का लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हर सेकेंड या थर्ड घर में कोई ना कोई एक पेशेंट मिलेगा आपको जो आर्सेनिक से अफेक्टेड है, बॉडी जिसको बॉडी डिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई PWD का पेशेंट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये दिखाने का मकसद ये, भागलपुर का देखेंगे आप अगर आर्सेनिक का 0.01 से 0.05, भागलपुर में आकर देखेंगे नथन नगर ब्लॉक 0.03 का मात्रा मिलेगा आपको। तो ये एक छोटा सा एक रेफरेंस है आपके लिए। और ये मिनिस्टर साहब है, इन्होंने कहा है कि 20 डिस्ट्रिक्ट सेविंग्स फेसिंग सीवियर वाटर क्राइसिस, बिहार के 20 डिस्ट्रिक्ट, सोचिए। ये जून 2018 का 2019 का न्यूज़ है। उसके बाद मैं आना चाहूँगा अगला न्यूज़ पे, अप्रैल 2019 का न्यूज़। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार की आधा ब्लॉक पानी का स्कर्सिटी से, जैसे कि मैंने बताया पंजाब के बारे में कि पंजाब का ब्लॉक्स का क्या स्थिति है, ओवर एक्सप्लोटेड है, हर 10 में 10, कुछ कुछ जगहों में जैसे कि अमृतसर में बताया 10 से 10, शायद 10 था, 10 में 10 ही ब्लॉक एक्सप्लोटेड है वो ग्राउंड वाटर। अब ये देखिए, पंजाब बिहार में टोटल ब्लॉक्स है 534 ब्लॉक्स और टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। वहाँ से 280 ब्लॉक्स ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार का 25 डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 38 आर सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस इशू। मामूली बात नहीं है, कोई 280 ब्लॉक। अब आपको एक मैं लिंक करना चाहूँगा, आपको याद होगा मैंने दिखाया था CWMI इंडेक्स में कि इसको लाने का मकसद ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर पानी का हम लोग इशूज पे फोकस नहीं किया तो इट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। आप अभी डायग्राम देखिए, ये मैंने लिया है हिंदू बिजनेस लाइन से ये न्यूज़। आपको दिखेगा 2016-17 का, आपको जब देखेंगे डायग्राम को, राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ था इन लाख टन्स, 82.39 लाख टन्स राइस का। देखिए फर्स्ट डायग्राम 2017 में, देखिए राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, 80, मतलब 2 लाख का आसपास टन कम गया। 2018 का देखेंगे 74 हो गया। तो कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है।
राइस प्रोडक्शन। सेम अगर आप देखेंगे मेज या व्हीट, देखिए आप 2016 में व्हीट हुआ था 59.86 लाख टन, 17 में ठीक है वो 61 हुआ, बट फिर से 2018 में 56 हुआ गया। और अगर आप लास्ट पे आएंगे जो मैंने जहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है 185.33 लाख टन 2016 में प्रोड्यूस हुआ था फूड ग्रेन्स बिहार में। और अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे 2017-18 में तो 177.72, कम किया, सोचिए कितना कमा हुआ ये, कम से कम 8 लाख टन कमा। और अगर 2018 में आएंगे तो 154.58 लाख टन। तो आप सर लिंक कर पा रहे चीज़ों को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फूड सिक्योरिटी से मैंने लिंक करके दिखाया आपको कि कितना लिंक है सब कुछ चीज़। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा कि, और इसलिए मैंने इसको दिखाया नेगेटिव कि आज पानी के इश्यूज़ की वजह से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम रहा है जिससे फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा हार्म हो चुका है, हो सकता है और हो चुका भी है। देखिए आप नंबर है मेरे पास, ये आपको मैंने जो दिखाया था बिहार के बारे में दिखाना चाहूँगा अभी कि कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो मैंने बात की आपसे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, वो देखिए नीचे में ड्रिंकिंग वाटर और वाटर सप्लाई, जो गंगा के बारे में बताया आपको भागलपुर का कि गंगा पे 4.2 लाख पॉपुलेशन डिपेंडेंट है आज। अब आते हैं अगला चीज़ पे, वो है मुजफ्फरपुर। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का वेबसाइट मैंने ये न्यूज़ को लिया कि बिहार का ये फर्स्ट वो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जॉइंटली CSE एक प्रोजेक्ट, मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ITC इन्होंने मिल के ये प्रोजेक्ट को चलाया है, एक वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री बनाया है। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक डंपिंग पिट, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, एक डंपिंग पिट को इन्होंने एकदम उसको ट्रांसफॉर्म करके आज उससे कंपोस्ट बनाया जा रहा है, उस कंपोस्ट को ऑर्गेनिक चीज़ में यूज़ किया जा रहा है ग्रोथ फेज। कितना अच्छा न्यूज़ है ये कि वेस्ट भी एक रिसोर्स है। वेस्ट कवर में से लिंक किया है ग्राउंड वाटर के साथ, क्यों मैं इसको लिंक कर रहा हूँ? नॉर्मल जैसे मैं लिंक बताऊंगा आपको, जैसे ये जरा देखेंगे ये जो पानी है इसको हम लोग लीचेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये लीचेट जो होता है वो जो कचरा होता है उसी में से जो गंदा पानी होता है वो निकलता है। और बहुत सारा स्टडी किया गया है, जैसे आपको मैं दो स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे एक स्टडी किया गया है रमना वाराणसी इंडिया में, जहाँ पे देखा गया कि लैंडफिल साइट जहाँ पे अनसेग्रीगेटेड वेस्ट डंप किया जाता है वहाँ के पानी में निकल फेरस नाइट्रेट और फॉस्फेट का मात्रा WHO के स्टैंडर्ड से ज़्यादा पाया गया है। ये हुआ इसीलिए क्योंकि वो कचरा जो था वो सेग्रीगेटेड नहीं था और एक जगह डंप किया जाता था। दूसरा स्टडी किया गया है जवाहर नगर ग्रेटर हैदराबाद में, वहाँ आर्सेनिक इवन कैडमियम और क्रोमियम और लेड और जिंक का मात्रा ज़्यादा पाया गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वेस्ट जो होता है अगर वो सेग्रीगेट नहीं हो और डंप किया जाए एक जगह पे, तो ये लीचेट जो होता है ये ग्राउंड वाटर को ख़राब कर देता है। उसमें जितनी मात्रा की जितने भी मेटल्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं जो यहाँ पे। अब आते हैं अगले स्टेट पे जो कि आसाम। आसाम को पहले हम टच करते हैं। आसाम में भी वही इशू, अगर आप देखेंगे 2019 का जुलाई का न्यूज़ है कि आसाम में भी ग्राउंड वाटर का हर जगह एक ही इशू आपको दिखे, ग्राउंड वाटर बस डिप्रेशन में जा रहा है ये। अब एक चीज़ मैं लिंक करना चाहता हूँ इसमें बिहार के साथ आसाम को। मैंने बिहार के बारे में आपसे बात की कि बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट को चलाया गया, वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री को बनाया गया। जो मैंने सीन दिखाया आपको, सोचिए वहाँ पहले एक डंपिंग पिट हुआ करता था एक, पर आज वो एक फैक्ट्री बन चुका है जहाँ पर रिसोर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इन दिस सेम वे अभी मैं दिखाना चाहूँगा आसाम में गुवाहाटी सिटी में मैंने शूट किया था डिपोरबिल। तो डिपोरबिल के सामने एक डंपिंग पिट काफ़ी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस शूट को मैंने ट्रेन से अलग से लिया है आपको समझाने के लिए, आपको दिख रहा होगा ये पूरा शूट, मतलब कितना बड़ा वो डंपिंग पीट है गुवाहाटी में। और उसके सामने आपको दिख रहा होगा एक स्लम एरिया दिख रहा होगा, घर और दिख रहा होगा। हमने वहीं शूट किया, वहाँ का लोगों से जाने का ट्राई किया कि क्या क्या इशूज फेस करना पड़ता है उनको पानी निकलने के। तो इस पर अब इसको मैं लिंक क्यों कर रहा हूँ बिहार आसाम को, बिहार अगर कर सकता है तो आसाम भी कर सकता है इसको। अगर आसाम में अगर सोचिए कि कल परसों अगर गवर्नमेंट इसको स्टेप ले, अगर जॉइंटली CSE के साथ मिलके या कोई भी एक कंपनी के साथ CSR का प्रोजेक्ट है, कोई भी XYZ प्रोजेक्ट अगर चालू कर दे, अगर कल परसों अगर ये डंपिंग पिट हट जाए कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा इससे, सोच के देखिएगा आप। मैं आज मुजफ्फरपुर इतना अच्छा ये काम कर रही है पूरा ITC का हो गया जो मिलके,
अगर इसको इंडिया में कर सकता है रेप्लिकेट इस मॉडल को, इसको किया जा सकता है रेप्लिकेट इंडिया में, क्योंकि सी एस सी का एक फोरम है 26 सिटीज का, जिसमें मुजफ्फरपुर भी एक सिटी है, इंडिया में 4000 ज्यादा सिटीज हैं, तो 26 सिटी सिर्फ सेग्रीगेट कर रही हैं 2017-18 की रिपोर्ट के हिसाब से सी एस सी के, तो इसको आराम से किया जा सकता है रेप्लिकेट। सबसे बड़ी बात है कि हमें वेस्ट के साथ ये सीखना पड़ेगा कि वेस्ट भी एक रिसोर्स है, वेस्ट को वेस्ट की तरह नहीं समझें। और सबसे बड़ा हम सीख सकते हैं मुजफ्फरपुर से वो है सेग्रीगेशन, क्योंकि बिना सेग्रीगेशन के ये काम नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर सीखने वाली बात है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर बन रहा है, जहाँ पर आईटीसी, मुजफ्फरपुर नगर निगम और लोग तीनों मिल के ये काम कर रहे हैं, तो ये एक मॉडल वैसा भी है। कितना बड़ा चेंज आ सकता है इससे, तो ये देखने का मकसद है आपको, अभी मैं जाके लोगों से, आप देखिएगा वो क्लिप को समझ में आएगा आपको। अब आप देखिएगा आपको स्क्रीन पे, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बाथरूम, कि ये जो स्लम एरिया है यहाँ का लोगों का बहुत सारा इश्यूज है, और जो आपको फोटो दिख रहा है अभी बाथरूम का, यहाँ के लोग बाउंड्रीज में रहते हैं, अलग अलग बाउंड्रीज में रहते हैं, एक बाउंड्री में कम से कम 40 से 50 फैमिलीज रहता है। तो अगर मैं एक फैमिली का पकड़ लूँ, चार या पांच लोग रहते हैं, तो 40 से 50 फैमिली मतलब कम से कम 150 से 200, मतलब 150 से 200 लोग होगा। आप सोचिए ये बाउंड्री पे, एक ही बाउंड्री पे 200 लोग बस एक ही बाथरूम का व्यवहार कर रहे हैं, या 150 लोग भी आप एवरेज पकड़ लो, 100 लोग भी पकड़ लो एवरेज में, और सरप्राइजिंगली यही लोग एक हैंडपम्प एक बाथरूम। तो आप सोच सकते हैं कि पानी का कितना घायना है, एक और ऑफ कोर्स सब कुछ पानी से जुड़ा हुआ है, ये जो बाथरूम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब आके यहाँ लिटर हो जाएगा पानी, एक जगह में स्केटर हो जाएगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगा, लोग नहीं है, या कोई पाइप वाटर सिस्टम नहीं है, क्या है यहाँ का इशू? एक्चुअली मैं यहाँ आके देखता हूँ हर कोई, मतलब एक ही सोर्स, जैसे कि हैंडपम्प हम जो बोल रहे हैं दमकल है, उसी में हम लोग देखते हैं हर कोई उसी यूज़ कर रहा है, और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक परिवार में एक है, और उसका ऑल्टरनेटिव जैसे कि हम लोग का पानी यूज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, जो भी हम लोग करते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव एक फिल्टर होता है, वो अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग का थोड़ा साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है अगर फिल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी नहीं। यार हम देखते हैं यहाँ पे अनशिक्षित ज़्यादा है, काम में ज़्यादा ध्यान देता है, उनको बोलने के लिए कहने के लिए कोई नहीं है ऐसा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब इस तरह का किस तरह हम लोग व्यवहार करेंगे पानी जो भी है, जैसे कि उसका साइड इफेक्ट अगर हम लोग पानी का विषय लेते हैं, तो हर चीज़ कुछ करने के पहले पानी ही चाहिए। अगर पानी अगर हम लोग का शरीर में नहीं हो, अगर नहीं होता है तो भी हम लोग बीमार हो सकता है, अगर पानी है तो बॉडी में हम लोग का सर्कुलेशन, चलना फिरना, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर पूरा परिवेश देखता है तो हम लोग का सबसे पहले पानी का ही असर होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ मतलब यहाँ का अगर प्रॉपर एक पानी का सप्लाई होता है, सरकार अगर आके यहाँ पे आके देखता है, लोगों को सीखना पड़ेगा हाइजीनिक रहने के लिए, पर लोगों का कंडीशंस भी ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को चेंज। अब मैं बात करना चाहूँगा आसाम का CWMI इंडेक्स जो क्या बताती है, अब हम वही देखेंगे जो मैंने बात की आपसे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, कि एक ही हैंडपम्प से कितना, और ऑफकोर्स पानी तो कॉन्टेमिनेटेड होगा ही, अब वो क्यों होगा क्योंकि उस पिछले वीडियो में दिखाया है आपको कि जो डंपिंग पिट होता है वो कितना ग्राउंड वाटर को पोल्यू करती है। तो यहाँ भी जबकि ये स्लम एरिया जो हमने शूट किया आसाम पे, जो कि डंपिंग पिट के ठीक सामने है, तो ऑफकोर्स पानी तो पोल्यूटेड ही है, तो पानी सप्लाई में इश्यूज होता होगा, तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अर्बन वाटर सप्लाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेट पे, यह है झारखंड। झारखंड का भी वही स्थिति है, लेक्स काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, वहाँ का जो वाटर बॉडीज है काफ़ी, ये एक न्यूज़ है फर्स्ट पोस्ट का 2018 का। फिर मैं आप बात करना चाहूँगा पद्मश्री साइमन जी के बारे में, साइमन जी वो एक पद्मश्री है, उनको वाटर मैन झारखंड कहा जाता है, उनका एक इंटरव्यू भी छपा है टेलीग्राफ ने, पढ़िएगा जरूर। अब मैं बात करना चाहूँगा झारखंड के बारे में कि उनको इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ चाहिए, उनको सरफेस वाटर में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपना, जो भी देखा आपने जहाँ पर जो मैं दिखाया आपको वीडियो अभी साइमन जी के बारे में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट उनको लाना पड़ेगा स्टेट पे। और एक मैं दिखाना चाहूँगा एक इंटरव्यू पार्ट, जब उनसे पूछा गया साइमन जी से कि क्या आपके पास क्या टिप्स है जो अपकमिंग जनरेशन है, यूथ या जो यंग लोग है या जो सिटीजन्स है झारखंड का या बाहर ऑल ओवर इंडिया का, क्या कर सकता है पानी को लेके, तो उनके रिप्लाई देखिए। उनका ये मानना है कि रिचार्ज द ग्राउंड वाटर बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर एंड प्लांटिंग ट्रीज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर एंड प्लांटिंग ट्रीज, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन बोरवेल्स, दे कैन ओनली पंप वाटर दैट एग्जिस्ट, दे कांट क्रिएट वाटर। तो वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है
ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे भारी तो जनता का जरूरत है पानी, जमीन, अन्न और करी से करी ज्ञान। मान लीजिए यहाँ पानी आ गया, उसका पानी कैसे आता है? यात्रा आप घूम के अगर ऐसे आप इस तरह आके आप बताइए, अभी ये पानी मान लीजिए यहाँ भर्ती होने के बाद यहाँ आता है। ऐसा है कि ये बांध को बचाने के लिए बाबा का ही ये दिमाग लगा था कि कुआं जब बनाया हुआ है, कुआं नुमा है ये कुआं नुमा इसलिए बनाया हुआ है कि अगर पानी या स्तर बढ़ता है तो बांध को तोड़े ना, ये पीड़ को तोड़े ना, इसके चलते ये बनाया गया है। ज्यादा पानी होगा तो इससे निकल जाएगा, कम पानी अगर है तो फिर उसको बनाया हुआ है। तपोस आप थोड़ा कैमरा को घुमाना, तपोस एक मिनट, तपोस आप कैमरा को तो घुमाना, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वो बांध से वहाँ से आपको अच्छा उसको नीचे अंडरग्राउंड से निकलता है। अच्छा अंडरग्राउंड से पानी जाके, तपोस कैमरा को और राइट ले जाना आप, एकदम पानी उस पर जाता है ना, फिर उस खेत की तरफ जाता है आपको स्क्रीन में, ये आपका आइडिया है। और अगर पानी मान लीजिए कभी ज्यादा हो गया तब आप क्या करते, तब उसलिए ये कुआं बनाया गया है। ऑटोमेटिकली इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप पानी इस यहाँ से जाएगा, निकल जाएगा अगर बांध का ज्यादा हुआ, और नहीं तो वो ड्रेन का नीचे से वो जो अंदर से है सिंचाई के लिए बनाया हुआ, मतलब इसका मेन है एग्रीकल्चर का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो भी किसान है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी खेती वहाँ कर रहा है, तो पानी का दिक्कत ना हो इसके लिए छोटा सा बनाया गया है कि पानी का जितना स्तर हो कम से कम निचले स्तर तक पानी उसको मिलता रहे, इसके लिए वो बनाया है। और जब पानी जब बढ़ जाता है तो उसके निकलने के लिए बांध को ना टूटे, इसके लिए ये बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। अब आइए, हाँ तो हमने आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जितना आपको दिख रहा होगा ये हरियाली, ये जो खेती वाली जो जितना फसल उग चुका है, सब कुछ साइमन जी का मेहनत की वजह से हुआ है। इन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि कैसे एक बांध का पानी या डैम का पानी को कैसे एकदम डिसेंट्रलाइज किया जाए पाइप का और कैनल का जरिए। आपको दिख रहा होगा ये हरियाली, ये देखिए कैनल का थ्रू, ये कैनल का जरिए पानी सप्लाई हो रहा है गाँव का, और ये तो दूर दूर तक होता हुआ गाँव तक नहीं है। देखिए विकास तो अभी कहने से सोचते हैं कि विकास हो रहा है, मगर विकास अभी सही ढंग से नहीं हो रहा है। करना योजना है मगर अभी तक किसान के लिए कोई नहीं सोचा है और नहीं किया है, इसलिए हमको तकलीफ लगता है। सरकारी नियम जनता का विकास ले काम करता है कि अपना बिजनेस बनाता है, हमको तो अच्छा नहीं लगता है सरकारी काम। इन्होंने घर में खुद का कुआं बना के रखा है लोगों के लिए, तो हमने थोड़ा देर पहले आपको दिखाया कि इन्होंने इससे से इन्होंने किसान के लिए काम किया है, बट ये यहाँ पर ये है कुआं बस लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। अगर तापस आप थोड़ा अगर कैमरा को अगर ला के दिखा सकते हैं पानी, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है पब्लिक के लिए, जनता के लिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इनका है कि मुझे अच्छा लगा सुन के बाबा जी कि ये किसी को भी आना है, कोई भी आके पानी पी सकता है। कैमरा तापस आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा देंगे, तो पीछे में इन्होंने बाथरूम बना के रखा है लोगों के लिए कि लोग आए अपना नहाए धोए हैं, अपना खाना खाए, कुछ भी करे अपना। तो मतलब यहाँ आज विकास हुआ है बस आपके कारण ही हुआ है, क्योंकि आपने थोड़ा काम किया है, आज से नहीं बहुत सालों से, पर सरकारी का जो एक पहुँचा नहीं, मतलब स्कीम्स ना आज भी, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में छापता है जब कि ये आगे नया स्कीम, वो क्या होता है, काम होता है ग्राउंड पे जमीनी स्तर पर होता है कुछ काम? देखिए कान ने सुना था, आँख ने नहीं दिखता है सरकारी काम। हम चलिए हम नेक्स्ट स्टेट में आते हैं अभी, जो कि है बेंगलोर। बेंगलोर पे मैंने बताया, बेंगलोर को मैंने एक सॉल्यूशन हिसाब से मैं दिखाऊंगा, ट्राई करूंगा। हमने दो चीज़ कवर किया बेंगलोर में, मैंने कवन पार्क में रिचार्ज वेल का थ्रू कैसे होती है, और सेकंड मैंने कवर किया जकूर लेक, ये दिख रहा होगा फोटो कि कैसे बेंगलोर का जो पानी जो गंदा है उसको लाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, STP पे लाया जाता है, उस पानी को साफ करके एक जकूर जैसा लेक को फॉर्म किया जाता है। कितना अच्छा प्रोसेस है, आपको एयर से मैं दिखाएगा, ट्राई किया, दिख रहा होगा आपको कि वो पीछे में है एक STP है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से पानी को साफ करके भेजा जा रहा था कि जकूर जैसा लेक को रिवाइव किया जाए। कितना बड़ा एडवांटेज है, सोचिए इस चीज़ को लेकर 15,000 मिलियन लीटर को पर डे ट्रीट किया जाता है, और इससे कितना एडवांटेज है, लोगों को लाइवलीहुड मिलता है, जो लोग लोकल लोग को यहाँ नौकरी मिल सकता है, बायोडाइवर्सिटी इससे रिवाइव होगा, कितना एडवांटेज है, और ऑफकोर्स ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और ये कवन पार्क को मैंने कवर किया है रिचार्ज वेल। अब मैं मान लीजिए ये सर रिचार्ज वेल है, तो सर अगर मैं बनाऊँ इसका संग्रह, आप थोड़ा फोटो को इसको वो करना है, सर मान लीजिए
ये हम लोग यहाँ पर ये लैंड है, अभी हम लोग यहीं पर खड़ा है, ठीक है सर। तो मान लीजिए ये रिचार्ज वेल है, संग्रम भी देखना वीडियो आना चाहिए। तो मान लीजिए ये रिचार्ज वेल साल आप लोगों ने बनाया है, तो इसमें सर इसको आप आगे एक्सप्लेन कीजिए, मैं इसको ड्राइंग करके बताता हूँ सर। तो मैं ऐसे ही यहाँ का जो बारिश का पानी होता है यहाँ पे आता है अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ कंकड़ डाले हुए हैं ताकि वो सिल्ट जो आता है उसको हम यहाँ पे रोक ले। कंकड़ मतलब पत्थर, पत्थर छोटे छोटे पत्थर जो हमने डाला है, ये पूरा पत्थर आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, यानी कि हमने पूरा ये पत्थर यहाँ तक रखा हुआ है, सारे यहाँ पे पूरा हमने वो डाला हुआ है ताकि, और यहाँ पे रिंग है, ये पूरा आप समझ लीजिए रिंग डाला रहता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। और इसके अंदर जब पानी आता है तो ये पूरा अंदर पानी भर लेता है, और बाद में इसका यहाँ पे रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये जब रिचार्ज होता है यानी कि पूरा यहाँ पे जो एरिया है सॉइल का एरिया है वो पूरा इसका पानी से भरना शुरू हो जाता है, और ये जब पानी भरना शुरू हो जाता है और यहाँ पे पूरा पानी रहता है, तो आप यहाँ कहीं पे कुआं बनाओगे तो ये रिचार्ज वेल है, और कहीं और पे आप कुआं बनाओगे तो उस कुएं में आपको पानी आना शुरू हो जाता है, नहीं तो उसमें पानी रहता है। मान लीजिए सर ये रिचार्ज वेल है, पहले बारिश हुई सर, पहले बारिश में अगर पानी यहाँ के पूरा पानी इसमें आना शुरू, ओके पानी इसमें आना शुरू हो गया, और ये पत्थर के थ्रू पानी मतलब घुसता है। हाँ, अब मान लीजिए अब जो वीडियो को देख रहे हैं, हाँ आप संग्राम का कैमरा का थ्रू देख रहा होगा आपका पानी, कि इसमें पानी अभी भी आपको दिख रहा होगा, हम लोगों ने खोल के दिखाया है राम प्रसाद सर का थ्रू पानी, बारिश हुआ था, बारिश हुआ तो पानी है, ठीक है संग्राम। आप संग्राम आप इसको थोड़ा वो करना। अब मान लीजिए ये आप दिखा, आपको जो दिखा अभी ट्यूबवेल सर रिचार्ज वेल रिंग में जो पानी को, अभी मान लीजिए रिंग में पानी गया, फिर यहाँ पर से पानी पर्कुलेशन रेट का थ्रू पानी सेलो एक्वीफर में वो होता है, और संग्राम को दिख रहा होगा आपको पीछे दिख रहा होगा राम प्रसाद सर, अगर सर आएंगे सर निकलो यहाँ पे संग्राम बाद में दिखा देगा कि कहाँ तक पानी है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10 फीट के अंदर अंदर पानी आपको मिल जाता है, तो यहाँ 10 फीट के अंदर अंदर पानी मिल जाता है। तो ये ऐसा कब्बन पार्क में 7 कुएँ हैं, ओके, और ये 7 कुओं के लिए हमने जो वाटर सिक्योरिटी जो बोलते हैं, यानी कि बारिश के पानी को नीचे भेजना और उसको इमीडिएटली कहीं और पर यूज़ करने का, तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे चलता रहता है। तो ये जो पूरा आइडिया है सर, मुझे इसमें 3 चीज़ समझ में आया। एक तो आप पहले रेन वाटर को बचा रहे हो, पानी को कंजर्व कर रहे हो, सेकंड थिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है सर, पर्कुलेशन का वो उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और संग्रह आपको राइट में करना, आपको दिख रहा होगा वो मोटर है वो, तो उसका थ्रू ये पूरा पार्क में सर, और इस पार्क में से कितना है पानी का, एक कितना पानी चाहिए इस पार्क में टोटली यहाँ पे डेली, यानी कि बारिश के टाइम पे तो बहुत कम चाहिए रहता है, मगर एक यानी कि आप समझ लीजिए जनवरी से लेकर के जून तक का जो महीना है उस टाइम पे 80,000 लीटर का पानी चाहिए रहता है सर। 80,000 लीटर का पानी कहीं से बाहर से लाने का जरूरत नहीं है, बस अब रेन वाटर का थोड़ा कर लिया अच्छे से तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो गया, और प्लस यहाँ का पार्क में भी पानी का जो यूजेज है वॉशरूम्स में या गार्डनिंग में यूज हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट का। तो मतलब आपका इंटरवेंशन इसमें है वो रिचार्ज को, वो रिचार्ज वेल का थ्रू बताने से हमको थोड़ा इसमें एंगल देने से हमको अलग होगा रेलवे का। आप जानते हैं रेलवे स्टेशन लोग, वो लोग तो अपना ट्रेन साफ करते हैं यार, जो पानी चाहिए रेलवे पूरा इंडियन रेलवे को। तो ये एक न्यूज़ है, मैंने लिया है इसको 2016 बिजनेस टाइम से, सॉरी बिजनेस टुडे से, एक आर्टिकल छपा था इन्होंने द रियल कॉस्ट ऑफ वाटर। तो एक एनजीटी ने एक पिटीशन फाइल की थी, एक पिटीशन फाइल हुआ था एनजीटी पे बाय सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने ये बताया कि रेलवेज ने कम से कम 73 डिविजन्स एक्रॉस 16 जोन से पानी को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि नोटिफाइड है, जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। तो ये न्यूज़ दिखाने का मकसद यही है कि रेलवेज भी आज कहीं ना कहीं पानी को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है यानी कि पानी की उनको भी साफ करना पड़ता है, पर नीचे में देखिए क्या लिखा है कि पिटीशन, जिन्होंने पिटीशन किया उनका क्या डिमांड था कि रेलवेज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर डिपेंड होना चाहिए इंस्टेड, रेलवेज को ये फोर्सेस। और कहीं ना कहीं आई थिंक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई मेघदूत कोई स्कीम भी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट इसको एक मास लेवल में चाहिए कि आप ग्राउंड वाटर से या पानी को एक्सट्रैक्ट ना करें नेचुरल रिसोर्स से, और आप बल्कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थ्रू पानी को यूज़ करें। बाकी कर्नाटका का आप यार देखेंगे थिंग्स टू इम्प्रूव, ग्राउंड वाटर रिजर्वेशन, ग्राउंड वाटर को रिज्यूमिनेट करना पड़ेगा, और ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल एरियाज पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब अगले आते हैं अगला सेट पे, मेघालय। मेघालय को भी हम स्टार्ट करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से, ये आपको दिखा होगा। इसमें मैंने 3 स्टेट को दिखाना ट्राई किया है, आसाम नागालैंड मेघालय। अगर आप देखेंगे आसाम का रैंक था 15-16 में 5 नंबर पे, आसाम में 16-17 में 4 नंबर पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, नागालैंड को देखेंगे 6 से उन्होंने 5 पे किया, पर मेघालय ने चेंज नहीं दिखाया, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ डायग्राम के थ्रू। फिर आते हैं अगला उस पर,
अच्छा न्यूज़ ये है कि मेघालय फर्स्ट स्टेट है इंडिया का, होल इंडिया में आपको न्यूज़ मिलेगा भी इंटरनेट पे, जिसने फर्स्ट वाटर पॉलिसी को लाया। अब आपको लगेगा कि वाटर पॉलिसी क्या है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स पे एड्रेस करना चाहती है। इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चेक डैम्स एंड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, फोकस ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और बाकी जो टेक्निकल चीज़ है। अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा मेघालय कवरेज, बस मैं आपको ऊपर पर दिखा पाऊंगा क्योंकि मेघालय में हम गए बट कहीं ना कहीं हमें वहाँ भी परमिशन नहीं मिला शूट करने का, वहाँ का लोग हमसे बात करने के लिए एग्री नहीं हुआ, कहीं ना कि उनको डर था कि वो जो एक होता है मीडिया का डर, हमने बताया उनको कि उनको हक के लिए उनको आके बोलना पड़ेगा पर उन्होंने एग्री नहीं किया। पर उनका सोई वही है, आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको बहुत। अब मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ कुछ दिन पहले इसका, मार्च 6 का न्यूज़ है ये, मेघालय का पानी का इश्यू, आप देखिए वाटर क्राइसिस, ये न्यूज़ को आप देखिए, इसको छापा है नॉर्थ ईस्ट नाउ में। बच्चे लोगों को काफ़ी दूर वॉक करके जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, जिसके कारण उसको स्कूल मिस करना पड़ता है बच्चों को, तो ये काफ़ी सोचने लायक चीज़ है, बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब आते हैं मेन चीज़ें, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेघालय का CWMI परफॉर्मेंस, जो अच्छा चल रहा है उनका क्वालिटी सब ठीक है। अब अभी उन्होंने वाटर पॉलिसी भी लाया, क्या इंप्रूव करना है उनको, जो मैंने बात किया आपसे रूरल ड्रिंकिंग का वाटर एक्सेस, बच्चों को जाना पड़ रहा लाने के लिए पानी, पॉलिसी एंड डाटा, इसलिए मैंने इनको लिंक करने का ट्राई किया। पहले का देखिए कि इंप्रूवमेंट नहीं किया था उन्होंने, फिर वाटर पॉलिसी आया उनका अभी नया, फर्स्ट स्टेट है इंडिया में, और अभी वो लोग मे बी दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। चलिए मेघालय अभी आपको ले चलते हैं मुंबई का कवरेज के लिए। मुंबई में हमने कवर किया मालद वेस्ट मुंबई, यहाँ पर मैंने देखा कि पानी का समस्या है ही लोगों के पास, उसके अलावा बच्चे लोगों, जैसे मैंने मेघालय का दिखाया आपको, बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, फिर मिडिल मैन का काफ़ी बड़ा इशू है। अच्छा अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा एक खर्चे के ऊपर, और ये मेरा दोस्त सागनी की, इसको थोड़ा सा नहीं आप थोड़ा बताना ये चीज़ को लेके, ये पैसे का खर्च किस तरह से होता है लीटर में, अगर आप बोलोगे एक, अगर आप मुंबई का पानी का देखोगे तो 1000 रुपये पानी, 4 रुपये से 4.5 रुपये में 1000 लीटर पानी मिलना चाहिए जो BMC प्रोवाइड करता है। बट आप लोग जब इधर जाके पानी लेते हो तो आपको एक कनेक्टर के लिए 25 लीटर के लिए आपको मतलब 20 रुपीज़ से मतलब 20 रुपीज़ देना पड़ता है, तो इससे लेके मतलब 100 से लेके 150 रुपये आपका हर दिन का पानी के लिए जाता है। लेकिन इधर आप अगर देखोगे तो इधर का जो कम्युनिटी है उनका इनकम भी ज़्यादा नहीं है, तो उनमें से एक बड़ा सा मतलब जो चंक है वो पानी के लिए जाता है, तो ये एक इशू है इनके लिए। मीडिया कवरेज का इशू है ही, अच्छा लगा यहाँ का कवरेज का है कि पानी एक समिति है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी हमें हेल्प किया शूट के लिए, इंटरव्यू भी दिया आपको हम दिखाएंगे क्लिप, तो उन्होंने भी एक PIL लड़ा जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में पानी को लेके, फिर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया इसको फंडामेंटल राइट, पानी मतलब था ही पहले से, बट इसको फिर से एक वो करना पड़ा हाईकोर्ट को, क्योंकि बॉम्बे में काफ़ी टेक्निकल है वो इशू, एक्चुअली 2000 साल जो है वो एक कट ऑफ डेट है, उसका पहले जितना भी एरिया है सबको पानी मिलेगा, अगर आप जाएंगे मैं आपको एक बेसिस बता रहा हूँ, पर उसके बाद जो भी एरिया से आए थे उनको नहीं मिलेगा पानी, पर इसी को लेके पानी हक समिति ने लड़ा कि क्यों नहीं मिलेगा, इंसान तो इंसान है, फिर जाके बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पे BMC को पानी देना पड़ रहा है, और भी इशूज लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ये देखिए पानी का, जैसे कि आज पता नहीं आज भी पानी आपका इतना सप्लाई नहीं होता है, पाइप ऑर्डर नहीं है, तो पानी लिए कितना दूर जाना पड़ता था आप लोगों को, ये जाना पड़ता है अभी भी काफी दूर यहाँ लास्ट 1 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोग को पानी के लिए, यहाँ सवेरे उठ के एकदम सब काम धाम छोड़ के पहले पानी। तो आप जब वोट होता है ना 5 साल में, तो वोट पे आप लोगों का मुद्दा क्या रहता है, सब रहता है पानी हक या कुछ भी? अरे तो वादा तो बहुत करके जाते हैं, पर सिर्फ एक ही दिन जिस दिन वोट मांगना रहता है, तो उसके बाद तो कौन क्या है कहाँ रहते हैं हमको मालूम ही नहीं है। अगर अपनी समस्या लेके उसके दरवाजे तक जाओ तो आज सर को टाइम नहीं है, आज सर सोए हुए हैं, आज बाहर गए हैं, आज चर्चा में गए, आज भाषण में गए, बस हो गया, हम लोग को मिलते ही नहीं कभी भी, कोई समस्या का समाधान नहीं होता। समझ सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि ऑफिसर लोग जो पढ़ा लिखा है उन लोग भी आप लोगों से साथ नहीं देते, झुग्गी झोपड़ी वाले जो IAS वो लोग भी उतना वो भी नहीं, सिर्फ अपने मेन मुद्दा लेकर के वोट प्रचार के लिए आए फिर गए फिर मिले ही नहीं किसी से, 5 साल के बाद आते। और मैं जो समझ में आया जैसे आप बोले बीमारी का बात बोला आपने, आपने बोला कि बच्चे का पढ़ाई, सब एक ही चीज जुड़ा हुआ है पानी अगर मिल गया तो सब जो मैं समझ पा रहा हूँ एक मेन मुद्दा पानी का ही है। 2014 में पानी हक समिति ने केस लड़ा बॉम्बे हाईकोर्ट में, जहाँ बताया गया कि पानी एक फंडामेंटल राइट है,
एक हक है लोगों का, लेकिन आज जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं पानी पहुँच नहीं पाया है एक एक घर तक। क्या मुद्दे हैं सर, कहाँ तक, कहाँ गलती हो रहा है, किसका गलती है, क्या क्या रहता है इसका आगे सर? सर जी मैं इसमें एक पूरा बताऊंगा, एक हाथ से बातें है कि मैं एक आंदोलन करता है कि हे भारत माता हमें कुछ न सुझाता, तेरे मंत्री विधायक को कैसे बनाए विधाता, इनके कथनी और करने में अंतर बताता। अब दिक्कत है कि यहाँ पर कटाव डेट को लेकर के हमने काफ़ी संघर्ष किया हमारे पानी समिति ने। हम जब कोर्ट में गए, अब देखिए जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने बोला कि पानी हमारे पास कम है, मैं नहीं दे पाऊंगा, और लोग जो अनेक झुंपड़ रख रहते हैं। एडवोकेट जनरल जब कहे तो वहाँ पर जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि लोग रहते हैं, वो चाहे जंगल में रहते हैं, आपको पानी का हक होता है, और लोग आए कैसे, कहीं ना कहीं कमियाँ सरकार की हैं। आप जो वोट लेने की बात होती है तो बोलते हैं कि मुझे वोट में सब पूरा दूंगा, आप झूठ बोलते हो, और जब पानी की बात आता है बोलते हैं कि बात कि अनलीगल है। ये आपको नेक्स्ट न्यूज, मुंबई में कम से कम 4,500 मिलियन लीटर पर डे का नीड है पानी का, पर पानी से मिल पाता है उनको 3,750 मिलियन, मतलब उनके पास अवेलेबल है। तो क्या कर सकता है इस पर? इस पर मैं आपको चाहूंगा लिंक करने के लिए बेंगलोर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, अगर ऐसा अगर मुंबई में चालू कर दिया जाए कितना अच्छा होगा। एक तो वाटर बॉडीज रिवाइव हो सकती है, जैसे जकूरले जैसा मॉडल को लाया जा सकता है। सेकेंडली सीवेज वाटर को ट्रीट करके उसी पानी को जो पानी गंदा हो गया उसको फिर से फ्लासेस में मतलब यूज़ किया जा सकता है, उसको वॉशरूम्स में कहीं भी सेम पानी को, क्यों बार बार नेचुरल सोर्स से पानी को यूज़ करना है डैम से या लेक से। आपको ये डाटा दिख रहा होगा अभी सीवेज मतलब गंदगी जो पानी, ये अर्बन इंडिया का दिखा रहा होगा सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, कम से कम जनरेट होती है 62,000 मिलियन लीटर्स पर डे, पर ट्रीट हो पाती है केवल 18,000 के आसपास, बाकी क्या होगा। तो इसीलिए 70% गोज अनट्रीटेड। तो इसीलिए ये एक मुझे वेबसाइट से मिला है डाटा, BASF वेबसाइट को, एक वेबसाइट है वाटर क्राइसिस के बारे में अर्बन ऑफ इंडिया। तो मेरा मकसद ये बताने का, आपको लिंक करने का चीज़ों को लेके कि बेंगलोर में जो मॉडल्स है या बिहार का जो मॉडल देखा हमने वेस्ट को रिसोर्स करने के लिए, क्यों ना उसको कहीं और यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं कि आई नो क्राइसिस आ रहे हैं, जीरो डे आ सकती है फ्यूचर में, बट इस अभी हमारे पास टाइम है, हम कुछ कर सकते हैं अभी के लिए एटलीस्ट। कि उस तरफ था सीजन एसटीपी, वहां से लेक यहाँ पानी आया, फिर पानी से आप देख रहे होंगे आईलैंड जो भी एक बर्ड्स का मुझे दिख, कैमरा में दिख रहा होगा लोगों को, वो बर्ड्स आईलैंड में अपना घूम रहे, फिर यहाँ से कहीं और जाएगा पानी। तो इट्स लाइक डायमेंशन सिर्फ सीजन मॉडल नहीं, और भी अलग अलग बॉडीज रिवाइव हो रहा है इसमें। तो इस मॉडल को क्या इंडिया में रिप्लिकेट कर सकते हैं अलग अलग सिटीज में? क्यों नहीं, यस और नो बस? यस यस, इट्स डेफिनेटली कुड बी डन। तो इसमें क्या चाहिए, अगर एक लाइन में पूछो आपसे, एक विल क्या चाहिए इसमें? अगर नहीं, सब लोग एक साथ मिल जाएं, सिटीजंस मिल जाएं और गवर्नमेंट को ऐसे बस पुश कर लें कि उन लोग हमारे साथ हो, सिटीजंस के साथ हो, तो क्यों नहीं, हो सकता है। तो ये जो एक मीथ होता है कि फंड्स नहीं है, वो नहीं है, तो आज अगर चाहे दिल्ली में या पटना जो कि सब सिटीज है, गुवाहाटी असम में, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है वो लोग, मतलब ये बेंगलोर है बोल के बड़ा सिटी ऐसा कुछ एक वो नहीं है, ये आप एक यू आर सेइंग दिस क्लियरली। यस, एनीवेयर दे कैन, हां, दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड रेप्लिकेटेड एनीवेयर। इसके बाद हम राजस्थान कवरेज के लिए, राजस्थान में वही मतलब अगर आप देखेंगे फिर से पानी का इशू है, ग्राउंड वाटर का काफ़ी ज़्यादा इशू है वहाँ का। 62 मार्क भी किया गया, 62.70% कम से कम डिक्लाइन हुआ है ग्राउंड वाटर पे। और ऑफ कोर्स हम लोग सोचते हैं कि माइग्रेशन होता है सिर्फ जॉब्स के चक्कर में या मतलब उस रीजन को देते हैं हम लोग माइग्रेशन को, पर नहीं, पानी के कारण भी लोग माइग्रेट करते हैं इंडिया में, ये एक रियलिटी है। और ये एक न्यूज़, इसी न्यूज़ को फॉलोअप करके मैंने शूट भी किया था भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हम ये फर्स्ट पोस्ट का न्यूज़ है, जुलाई 2018 का न्यूज़ है कि वहाँ का लोग जो पानी ला रहे इकट्ठा करके बैरल्स में, उनको वो लोग लॉक कर रहे हैं ताकि चोरी ना हो। तो कितना भयानक स्थिति है वहाँ का ग्राउंड पे, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का। मैं वहाँ जाकर रिपोर्ट किया, और भी काफ़ी इशूज़ है, पानी के इशूज़ है वहाँ, बिजनेस अफेक्टेड है वहाँ का लोग, वुमेन का इशूज़ है, दूर से लाना पड़ता है पानी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये द शॉकिंग थिंग वॉज, एक मुझे मिला वहाँ का गांव से, शायद पोतलान गांव था वो, एक हफ्ते में पानी का सप्लाई केवल 20 मिनट के लिए मिलते हैं उनको, बाकी उनको टैंकर का थ्रू, मतलब ये गवर्नमेंट वाला पानी सप्लाई बोल रहा हूँ मैं, और बाकी अगर गवर्नमेंट से मिलना है तो वो तो टैंक गवर्नमेंट से इतना ही मिलेगा आपको, बट टैंकर लेना पड़ेगा आपको, उसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि ग्राम सभा का मॉडल भी फेल है, मीडिया कवरेज तो है ही नहीं। अब आपको दिखाना चाहूँगा मैं राजस्थान का CWMI इंडेक्स,
आपको देखिएगा थिंग्स टू इम्प्रूव में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने मार्क किया है और उसी को मैंने फोकस भी किया है जो मैंने ग्राउंड को स्टोर दिखाया है। तो आई एम ट्राइंग टू रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप समझ पाएँ चीज़ों को। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा लास्ट स्टेट जो बच गया हमारा, हरियाणा। हरियाणा को अगर आप देखेंगे 76% एरिया हरियाणा इन ग्रिप ऑफ वाटर क्राइसिस, ये दो अक्टूबर 2019 का न्यूज़ है। कितना शॉकिंग न्यूज़ है, करीबन 22 डिस्ट्रिक्ट जो बता रहा है न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। हरियाणा में वही प्रॉब्लम देखा कि गंदा पानी जो है बैक्टीरिया वाला पानी, उससे लोग पानी धो रहे हैं, बर्तन अपना नहा रहे हैं। ग्राम सभा का मॉडल फेल है, 78 अमेंडमेंट जो है वो फेल है, मीडिया कवरेज उतना नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, ऑफकोर्स टैंकर का तो है ही, वहाँ भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, ये द क्वीन ने कवर किया था, नुहू में कवरेज दिया था उन्होंने पानी के बारे में, तो उन्होंने पाया कि कम से कम, मैंने रेड मार्क किया इसको, देखेंगे आप 2D इसको बॉक्स में, 3,000 रुपया पर मंथ ऑन जस्ट वाटर। एक तो लोग पॉवर्टी में रहते हैं, हालांकि और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रूरल एरियाज में, और आप देखेंगे कि यही का लोग इतना रुपये खर्च करें, मतलब पर टैंकर देयर टू स्पेंड 900 रुपीज। ये तो क्वीन का खबर है, कितना शॉकिंग न्यूज है। गंदे पानी से बीमारी भी होता, आप क्यों धोते हैं पानी से? तो फिर कहाँ कर इतना धोवा, तो पानी नहीं मिलेगा, फिर पानी कहाँ से मिले? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये ग्राम सभा का जो एक मॉडल है वो भी फेल है, मतलब वो भी कुछ काम नहीं है। ग्राम सभा तो होती है नाम मात्र की होती है, सही बात तो ये है, हम करते हैं, लोगों को बुला बुला के लाते हैं, भाई चलो कोई डिमांड है किसी भी। एक बात है ना, दिल्ली में जो लोग बैठा होता है ना, जो लोग नियम बनाता है, कानून बनाता है ना, तो उनको ये मानना है कि जो गांव स्तर में जो पंचायत है, जो सरपंच लोग हैं, उनको बहुत कुछ अधिकार है, उन लोगों का इश्यूज को लेकर रिप्रेजेंट करता है। असली में ये है क्या कि आप सरपंच हो गए ना, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, चाहता कोई करने का बस हो नहीं पाता है, तो क्या आपको लगता है? पंचायत का काम सिर्फ इतना है कि मेंबरों को इकट्ठा करके अपना एक रेजुलेशन दें, ग्राम सभा करके ले, ग्राम सभा करके हम एक रेजुलेशन देते हैं, रेजुलेशन हम वीडियो साहब को वहाँ देते हैं, वीडियो उच्च अधिकारियों को देता है, उसके बाद में वो रेगुलेशन वही। तो मुझे समझ में ऐसे बात करती यही कि नीचे से नीचे के बाद ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में अटक जा रहा है बात से, मतलब और वो जो ऊपर कर तो अधिकारी लोग हम लोग नीचे में जाकर बात नहीं करते, कोई नहीं करता। बदलाव नहीं आया, पहले जो था आज भी वही है, वही है, कोई बदलाव नहीं आया, और खेती बाड़ी सूख रही है, नहर आई ही जब ये भी बंद कर दिया। खराब पानी है, पीने के योग्य, पीने लायक फसल के योग्य भी नहीं है, इतना खराब स्थिति पानी, इतना खराब स्थिति ग्राउंड का बोल रहे हैं ना जी, जमीन का है, इतना कड़वा पानी है कि अगर किस तरह से वोट करते हैं, मतलब उनको माइंड में इशू नहीं आता है कि बिकॉज इट अफेक्ट्स देम, इनको अफेक्ट करता है ये इशू, तो लोग जब वोट करते हैं माइंड में नहीं आता है पानी का इशू से वोट करना है या डिमांड करना है सरपंच से, वोट कैसे करते हैं लोग? देखिए दिक्कत ही है ना वोट के साथ, लोगों के इश्यूज होते हैं पानी का, सैनिटेशन का, ये डंपिंग का या इलेक्ट्रिसिटी किसी का भी इश्यूज होते हैं, बट यहाँ क्या हमारे जो वोट होते हैं ना वो फैमिली एल्डर के पीछे चलते हैं, और जो उसके गिरफ्त में आ जाए फिर आप वोट कहीं दे ही नहीं सकते, दिक्कत ये है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे हरियाणा का CWMI इंडेक्स, तो ये भी आपको दिखेगा, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन, ऑन फार्म यूज, ये सब में कितना बड़ा मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं उनको, ग्राउंड वाटर तो हर समय रहता ही है इम्प्रूवमेंट का उसके, तो यही मकसद था आपको दिखाने का। तो इससे हम आते हैं अंत पे कवरेज से, आपको बस बताने का मेरा मकसद यही था, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मेरा मकसद यही था कि आप समझ पाए होंगे लिंक में क्यों कर रहा था। अगर बिहार में जो मॉडल आपको बताया मैंने, वाटर सॉरी वेस्ट को जो रिसोर्स को जो कर सकते हैं कंपोस्ट बना सकते हैं, क्यों ना उसको आसाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं उसको? झारखंड में जो हमें साइमन बाबा जी ने बताया कि डोंट फोकस ऑन दी बोरवेल, इंस्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी को वो करने की ट्राई करो, तो वो हमने दिखाया आपको थ्रू बेंगलोर में, आपको दिखाया हमने एग्जाम्पल रिचार्ज वेल का थ्रू कि किस तरह से कवन पार्क को कितना लीटर पानी रेन वाटर से वो लोग सेव करते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कितना हेल्प हो सकता है, STP का द्वारा बायोडाइवर्सिटी को भी रिवाइव किया जा सकता है, जैसे जकूर लेक। तो आई हैव ट्राई टू लिंक अप ताकि आप समझ पाए चीज़ों को डेप्थ में जाके, और ये काफ़ी छोटा कवरेज, मैं जितना हो सके देने का ट्राई किया क्वालिटी टाइम में रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट का थ्रू। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 5 चीज़ मिलेगा मेरा जो भी मैंने इस क्राउड फंडिंग का थ्रू ट्राई किया है लिमिटेड रिसोर्स में भी। ये डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपको रिलीज किया वाटर डे में, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नीचे मिलेगा विथ बहुत लिंक्स में शेयर कर दूंगा, जो जो मैंने रिपोर्ट रेफर किया था आप पढ़ सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी एक आइडिया मिलने के लिए।
22 अप्रैल जो कि अर्थ डे है उस दिन आपको मैं रिलीज करने वाला हूँ दो चीज़, एक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन इस पूरे इश्यूज को लेके एक जस्ट एक व्यू देने चाहता हूँ मैं, और चौथा रिसर्च पेपर, मैं एक पेपर भी लिख रहा हूँ इसको लेके। तो जितना हो सके आई ट्राई टू गिव फोकस टू दिस इशू, और आप भी इस चीज़ को थोड़ा पढ़िए जाके, चीज़ को थोड़ा ले, मुझे मालूम है कि क्या कर सकते हैं हम, जो मैंने बताया बिगिनिंग में भी, बट एटलीस्ट अगर हम अपने आप को चेंज कर सके, अगर हम इस बात को अवेयरनेस कर सके तो कितना इम्प्रूवमेंट होगा, यही मैं बोल सकता हूँ। मैं सोचिएगा जरूर इस बात को लेके, और मैं जरूर थैंक करना चाहूँगा स्टेट वाइज लोग जिन्होंने हमें स्टेट 91 कंट्रीब्यूटर्स को, थैंक यू सो मच अगेन। उड़ीसा से मैं चाहूँगा तापस को थैंक करने के लिए जिसने हेल्प किया वहाँ का लोकल, पंजाब से नवदीप कौर थैंक यू सो मच, थैंक यू वहाँ का साइंटिस्ट प्रोफेसर रंजीत जी, प्रोफेसर बलविंदर सिंह सर, प्रोफेसर नरविंदर कौर मैम थैंक यू सो मच, वेस्ट बंगाल से तापस को थैंक करना चाहूँगा, बिहार से आयुष पीयूष रविशेखर थैंक यू सो मच, आसाम से थैंक करना चाहूँगा रोहित रावा को मेरा दोस्त को, और वीरेंद्र सर थैंक यू सो मच और आपका टीम को, झारखंड से तापस थैंक यू सो मच और साइमन जी का इंटरव्यू थैंक यू सो मच, बेंगलोर से संग्राम थैंक यू सो मच, मेहक दा थैंक यू सो मच, और प्रोफेसर विश्वनाथन थैंक यू सो मच, प्रोफेसर रामप्रसाद सर थैंक यू सो मच, सॉरी रामप्रसाद सर आप लोग वाटर एक्टिविस्ट हैं आप सर थैंक यू सो मच, मेघालय से अगेन थैंक यू सो मच रोहित एंड वीरेंद्र सर, मुंबई से थैंक यू सो मच सागनी श्रीमंत एंड असीम थैंक यू सो मच, और पूरा पानी हक समिति के लोगों को थैंक यू सो मच, राजस्थान से थैंक यू सो मच टू अमित भाई, और हरियाणा से थैंक यू सो मच सुहेल और आफ्ताब। आई होप कि कवरेज आपको अच्छा लगा, आप समझ पाए, और भी जो मैं जरूर देखिएगा पीपीटी को, मैगजीन जो आने वाला देखिएगा, और चीज़ को जरूर आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।